Good morning, everybody. Today is 9th of December 2022. और जैसे ही घर से बाहर निकली, दिखाऊं क्या दिखाऊं? पता नहीं आपको वहां दिख रहा है वो बलून से डेकोरेशन, हैप्पी हैप्पी उड़ रहा है। तो जैसे ही घर से बाहर निकली तो मुझे ये हैप्पी हैप्पी वाले बलून्स दिखे। शायद हैप्पी बर्थडे होगा, यहाँ पड़ोसियों के यहाँ कुछ पार्टी होगी, शायद इस वजह से ये है। लेकिन सिर्फ हैप्पी दिख रहा था घर से। जैसी निकली, जो एंगल आपको मैंने दिखाया ना, वहाँ से मुझे हैप्पी दिखा। तो आई एम सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल। और मैं जैसे ही डोर खोला, मॉर्निंग में आज जब पूजा कर रही थी, जैसे ही डोर खोला तो मुझे दिखी बटरफ्लाइज, बहुत सारी बटरफ्लाइज मेरी फ्रंट गार्डन में। सो थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि अपने जो साइंस हैं वो देना कभी नहीं भूलते। बटरफ्लाई की बात की, फिर से दिखने लग गई इतनी सारी बटरफ्लाइज हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कल के लाइव में मस्त मज़ा आ गया। जिसने नहीं देखी, फ़ोन मैनिफेस्टेशन की वीडियो देख लेना। और आपको भी करना है, कैसे कर लें वो भी, उसके लिए लाइव चैनल पर लाइव सेक्शन में जाना, उसके नीचे कल का लाइव है वो देख लेना, ठीक है। सो यू कैन मैनिफेस्ट एनी थिंग, एनी गैजेट। यू कैन मैनिफेस्ट योर फोन, यू कैन मैनिफेस्ट योर आईपैड, टैबलेट, लैपटॉप, एनीथिंग यू वॉन्ट बेसिकली। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटिफुल कॉमेंट्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मिस्टर यूनिवर्स मुझे इतनी ब्यूटिफुल लाइफ देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतनी वंडरफुल नारी की वंडरफुल फैमिली देने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे ब्यूटीफुल चिल्ड्रन के लिए, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ के एक और दिन के लिए कि मैं आप सबको, यहाँ वाली फैमिली को और यहाँ वाली फैमिली को देख पाती हूँ, उनसे बात कर पाती हूँ। और देख शुरू हो गए बात करनी, मेरी बात सुन, आवाज़ सुनते ही आ जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली वेदर। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी का मौसम है और गर्मी का मौसम गर्म लगता नहीं है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ग्रीन ग्रीन घास है। दिखाऊं? देखा क्या नज़ारे हैं? सो थैंक यू सो मच। और जिन्होंने वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करवा दिया है, कंग्रेचुलेशंस। और जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया है, सोच लो, देख लो, ये साल नेक्स्ट ईयर ऐसे ही निकलेगा, अदरवाइज नहीं किया तो फिर मुझे मत कहना कि आपने मिस कर दिया, बाद में मत कहना। इनफ नोटिस दे दिया, इनफ बार बता दिया है। अभी भी, अगर अभी भी समय है रजिस्टर करवाना चाहो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना और जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा के वर्कशॉप में आ जाना, जो कि हो रही है इस संडे इंडिया के हिसाब से 11 दिसंबर सुबह 11 बजे। तो बहुत मस्त मस्त चीज़ें हम करने वाले हैं। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन एवरीबडी जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर करवा दिया है। सो आई एम सो सो ग्रेटफुल। और इस साल के लिए, क्योंकि दिसंबर महीना चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ अभी सीरीज शुरू कर लेते हैं, ग्रेटिट्यूड फॉर 2022, हैशटैग ग्रेटिट्यूड 2022। तो अगर आप ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे हो, फोटो खींचिए अपने ग्रेटिट्यूड वॉक करते समय और मुझे इंस्टा पे टैग कीजिए और हैशटैग दे सकते हैं वंडर नारी, वंडर फैमिली ग्रेटिट्यूड 2022, क्योंकि 2022 जाने वाला है तो हमें उसको अच्छे से भेजना है, अच्छे से, है ना, कि अच्छे से जाओ और नेक्स्ट ईयर अच्छी अच्छी खुशियाँ खुशियाँ और अबंडेंस भरा साल हमारी लाइफ में लेके आओ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज मैं बताती हूँ थोड़ी सी चीज़ें जो बहुत सारे अबंडेंस मुझे 2022 ने दी है, उसमें से थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सो 2022 ने मुझे क्या दिया है? 2022 ने मुझे ब्यूटीफुल ये महल वाला घर दिया है। सबसे स्टार्टिंग में, जैसे ही स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हुई, तो ये महल वाला घर जो आप देखते हो वीडियोस में, वो मुझे मिला। मैं, आप सब मेरा सेटअप देखते हो ना, वर्क सेटअप, मैंने बहुत तरह तरह की जगह पर बैठ कर काम किया है। मैंने लिटरली स्टोर रूम में भी अपना डेस्क लगा कर काम किया है। और
मेरा हमेशा से मन था कि मेरा अपना एक स्टूडियो हो। ये जो मेरा रूम है, वर्क रूम है, वो खुद में पता है कितना बड़ा है, खुद में इतना बड़ा है जितना बड़ा लोगों का घर होता है। इसके अंदर इन सूट वॉशरूम है, जो मैं वॉशरूम की तरह यूज़ नहीं करती, उसको भी मैं अपने कपड़े रख रहे हैं, चेंजिंग रूम की तरह यूज़ करती हूँ। और मेरी वॉकिंग रूम है, और रूम के अंदर ही दो रूम्स, तीन रूम्स जितनी स्पेस है। एक साइड मैंने अपना वर्क कंप्यूटर लाइक डिजिटल वर्क स्पेस बनाया हुआ है, एक तरफ मैंने अपना आर्टिस्टिक वर्क स्पेस बनाया हुआ है, जहाँ पे मेरी सोइंग मशीन है और मेरी पेंटिंग के सामान रहते हैं। और एक मैंने, अगर मेरे रूम में कोई भी विजिटर है, स्पेशली जैसे मेरे बच्चे, तो उनके लिए है दो दो मिरर्स हैं रूम में, कभी दिखाऊंगी दूसरी वीडियो में आपको। तो ये ब्यूटीफुल सा घर मुझे दिया है मेरे ब्यूटीफुल 2022 में। उसके बाद मार्च आता है, मार्च में मेरा बर्थडे है, बर्थडे होता है तो ब्यूटीफुल चीज़ें मुझे मैनिफेस्ट हुई मेरे बर्थडे पे। मुझे एप्पल वॉच मिली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक एवरीडे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फरवरी से और भी मेरी लाइफ में इतना सारा प्यार, इतनी सारी खुशियाँ, लाइक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मैं कैसे बताऊँ, कैसे एक्सप्रेस करूँ। सो थैंक यू सो मच 2022, थैंक यू सो मच। मेरे खुद की इतनी अचीवमेंट्स, इतने अवार्ड्स आए इस साल, मेरे बच्चों के लिए अवार्ड्स आए इस साल, थैंक यू सो मच। मेरी फैमिली के लिए थैंक यू सो मच। मेरी वर्क प्लेस पे भी आए, और मेरा जो एक्स्ट्रा करिकुलम मैं करती हूँ उसमें भी मेरे लिए अवार्ड्स आए। सो थैंक यू सो मच 2022, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल 2022। उसके बाद मम्मा का वो सब हुआ, सो आई एम सो ग्रेटफुल कि हमें इतना ज़्यादा समय लगा मिला मेंटली प्रिपेयर होने के लिए, मम्मी का ध्यान रखने के लिए। हो सकता है हमें प्रभु मौका ही ना देते ना मम्मी का ट्रीटमेंट कराने के लिए। और मैं इन पर्सन अपनों को इतने सालों बाद मिल पाई, क्योंकि मम्मी की वजह से मैंने दो बार ट्रैवल किया इंडिया के लिए, विद इन 6 मंथ्स मैंने दो बार ट्रैवल किया। सो आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। हमारी वंदनारी फैमिली शुरू हुई, और वंदनारी फैमिली कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये सब कुछ 2022 में हुआ। थैंक यू सो मच फॉर दिस मैजिकल मोमेंट, दिस मैजिकल एक्सपीरियंस। थैंक यू 2022। बिग हग, यू रियली डिजर्व अ बिग हग, थैंक यू सो मच। और आपको तो पता ही है कि मम्मी ने जब बॉडी छोड़ी कि किस तरह से मैंने अपने इमोशंस को हैंडल कर पाई। सो थैंक यू सो मच 2022। नॉर्मली क्या होता है कि हमें थ्रेटिकली लगता है, मन में लगता है, या फिर हमें लोग ऐसे परसीव करते हैं कि यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड विद योर इमोशंस, बट जब पड़ती है खुद पे तभी पता चलता है। तो आई एम सो ग्रेटफुल के 2022 में आई वॉज एबल टू टेस्ट माई सेल्फ, लाइक सिचुएशन पुट मी इन टू लाइक। और मैं आपको यहाँ पे एक और बार बार मैं बताती हूँ, एक बार और बता दूँ कि मैंने अपनी किसी भी इमोशन को कंट्रोल नहीं किया। अगर किसी को लगता है ना कि मैं सप्रेस कर रही हूँगी शायद अपनी इमोशंस को, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं जैसी दिख रही हूँ वैसा ही फील करती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने इमोशंस को अंदर कंट्रोल कर लिया, सप्रेस कर लिया। Whenever I had to release, I released. और जैसा भी मैंने फील किया, मैं तो उस दिन से आपको बता रही हूँ, है ना। अगर किसी ने नहीं देखा, मेरी किसी को नहीं पता, कोई नया है तो आप चेक कर लीजिए वीडियोस चैनल पे, जिसपे मैंने गाँव के कपड़ों में आपको दिख रही होंगी। सो दैट इज़ द ग्रेटिट्यूड वॉक आई डिड इन माई विलेज। पंजाब में मेरा गाँव है, और मेरी मम्मी बॉडी छोड़ के गए हैं नवम्बर के 2nd वीक में, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ। तो अगर भगवान ना करे, अगर किसी की लाइफ में ऐसा दिन आया है कि उनकी लाइफ में इस तरह से कोई पीरियड है, या तो कोई बॉडी छोड़ के गया है, या फिर उनकी लाइफ में कोई उनको छोड़ के गया है, किस तरह से आप अपनी इमोशंस को, किस तरह से आप गुड एंगल्स पे फोकस करके, किस तरह पे अपनी वाइब्रेशन अप रख सकते हैं, और फिर भी अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें और बाकी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और लाइफ को बाकी नॉर्मल ट्रैक पर ला सकते हैं। सो ये मुझे इतनी बड़ी सीख, एक्सपीरियंस दिया 2022 में, और मैं ये बहुत खुश हूँ कि ये एक्सपीरियंस सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। आप सोचो, आप लोग कितने लोग मेरे साथ जुड़ चुके हो, आप सबका एक्सपीरियंस हो चुका है। ये लर्निंग सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, आप सबकी लर्निंग ये बन चुकी है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग मैनिफेस्टेशन आई हैड इन 2022। सो आई एम सो सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। और 2022 ने मेरे गए हुए पैसे, कहीं फंसे हुए पैसे निकलवाए, उसके लिए एक सक्सेस स्टोरी नहीं देखी है तो जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आई बटन में डाल देती हूँ कि एलओए सक्सेस स्टोरीज मेरी जितनी भी हैं वो आप चेक कर सकते हो जाके, मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरीज। मेरी टेस्ला आई, मैं कैसे भूल सकती हूँ, टेस्ला आई मेरी शक्ति सेप्टेम्बर 2022 में आई। सो आई एम सो ग्रेटफुल। लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें आई 2022 में, लेकिन जस्ट ऑन द स्पॉट, यू नो, इट्स हार्डर टू जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग, बट आई एम सो ग्रेटफुल। मे बी एक मैं 2022 के ग्रेटिट्यूड के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो आई एम सो ग्रेटफुल। मेरे बेटे का आईपैड आया,
थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंड दैट वाज द मैनिफेस्टेशन टू. थैंक यू सो मच. मुझे इतने अलग अलग ग्रीन नज़ारे, ब्यूटीफुल नज़ारे, एयरपोर्ट पे नज़ारे, मार्केट में नज़ारे, ऐसे अलग अलग नज़ारे मुझे मिले 2022 में. मैंने कितना ट्रैवल किया और हर ट्रैवल में मेरी हेल्थ परफेक्ट रही. सो थैंक यू सो मच 2022 मुझे इतनी ब्यूटीफुल, इतनी हेल्दी बॉडी देने के लिए, इतनी हेल्दी इन्वायरमेंट देने के लिए, इतना हेल्दी फूड देने के लिए. शायद इसी वजह से मेरी बॉडी अच्छी रही होगी, और इतने लोगों को सपोर्ट देने के लिए. डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज बिग चेंजेस, कितने भी बिग चेंजेस हुए, मेरी माइंड की कामनेस बनी रही. सो थैंक यू सो मच ऑल द ब्यूटीफुल पीपल जिनकी वीडियोज मैं देखती थी, हर तरह के समय में देखती थी, और उनकी वीडियोज से मुझे एनर्जी मिलती थी. चाहे मुझे थ्रेटिकली सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, लेकिन एक होता है ना कि एक आपको चार्ज चाहिए होता है व्हेन यू आर इन दैट लो मोमेंट. सो आई एम सो ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स जो मेरे साथ पर्सनल सेशंस के, बिफोर इवन वंडर नारी, पर्सनल सेशंस के द्वारा मेरे साथ जुड़े हुए थे. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ योर टाइम, एंड ऑल्सो ऑल ऑफ योर सक्सेस स्टोरीज. इट रियली मेड माई टाइम. थैंक यू. और वंडर नारी के बर्थ के पीछे शायद इसी का ही एक रीजन है. वंडर नारी चैनल मैंने नवम्बर 2021 में क्रिएट किया था. उस टाइम पे मैं सिर्फ कोट्स डालती थी, आई डिड नॉट कम फुल फ्लेज लाइक नाउ. और लेकिन इसका रीबर्थ मैं कहूँगी, या फिर ये कह लो उस टाइम कंसेप्शन हुआ था, और जो इसका डिलीवरी हुआ, और देखो एग्जैक्टली उतना ही समय लगा. 9 से 10 मंथ्स लगते हैं, लाइक 35 से 40 वीक्स लगते हैं एक बेबी को पेट में सीड की तरह आने से लेके फुल फ्लेज बेबी बन के डिलीवरी होने में, इतना ही लगा. नवंबर 2021 में हमने एक्चुअल चैनल क्रिएट किया था, है ना. और अक्टूबर में मैंने शायद वीडियोस डालने शुरू किए थे यहाँ पे दोबारा. तो हमारे बेबी को भी इतना ही समय लगा है ना. सो आई एम सो ग्रेटफुल एवरीबॉडी. और कहीं ना कहीं जो मेरे पर्सनल सेशंस के स्टूडेंट्स थे, उनका, जिनके साथ मैं 1-on-1 काम कर रही थी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके, वंडर नारी के बर्थ के लिए. तो जो भी वीडियोज देख रहे हैं, जिसको भी लग रहा है कि वीडियोज हेल्पफुल हैं, तो प्लीज मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए, हमारी उन फैमिली मेंबर्स को सबसे पहले थैंक्स कीजिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैंने वीडियोज बनाने शुरू किए थे. जब मुझे लगा, जब बहुत सारी चीजें मुझे रिपीटिव भेजनी पड़ती थी सबको बार बार ऑडियो रिकॉर्ड करके, या फिर वीडियो, और व्हाट्सएप पे वीडियो उतनी लंबी सेंड भी नहीं होती थी, तो फिर मुझे लगा कि नाउ दिस इज अ नीड कि मैं, और फिर वो मुझे बोलते थे कि जब वो मेरी वॉइस सुनते हैं, जब मेरे से बात करते हैं, उनकी वाइब्रेशन अप हो जाती है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं उनको ये दूं कि 24/7 अपने टाइम जोन के हिसाब से वो कभी भी मेरी आवाज सुन सकते हैं, कभी भी मेरी बातें सुन सकते हैं. तो इसी की वजह से वंडर नारी के जो वीडियोज आप देखते हो आज, उनका जन्म हुआ. सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट. थैंक यू सो मच. और अभी 2022 खत्म नहीं हुआ, तो ब्लेसिंग्स भी अभी खत्म नहीं हुई है. तो अभी तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हमने 2022 का थैंक्स किया है, उसको ग्रेटिट्यूड किया है. अभी तो बहुत सारी मैनिफेस्टेशन बाकी है. मेरा आईफोन आया, जिसकी मैंने कल वीडियो डाली थी. सो थैंक यू सो मच फॉर मैनिफेस्टिंग दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वंडरफुल सेशंस व्हिच आई एम एबल टू टेक. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द टाइम, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द डिवाइसेस आई हैव, जिसकी वजह से मैं ये सारे सेशंस कर पाती हूँ और लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला पाती हूँ. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू दोस्त जी, थैंक यू सो मच वंटनारी फैमिली. आपका लव मेरे लिए ऑक्सीजन की तरह है, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे लिए ऑक्सीजन की तरह है. उसी की वजह से मैं हर रोज, लाइक आई लुक फॉरवर्ड टू दिस वीडियो. आपको पता है आजकल मेरी स्लीप इतनी कम हो गई है, नॉर्मली भी मुझे स्लीप बहुत लाइट और कम आती है, लेकिन मेरी स्लीप ऐसे कम हो गई है कि मतलब स्ट्रेस में नहीं, इस तरह से कम हो गई कि मुझे लगता है कि ये 8 घंटे जो मैं आपसे अवे रहती हूँ, जो आपसे दूर रहती हूँ, कहीं ना कहीं शायद मैं कोई कमी आ रही है, कि शायद इन 8 घंटों को भी मैं अगर वर्क कर लूँ, आपके साथ जुड़ी रहूँ, तो आप लोगों की लाइफ में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा. सो थैंक यू सो मच उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मुझे अलाउ किया है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने देने का एक जरिया बनने के लिए. सो थैंक यू सो मच. मैं किसी की लाइफ तब तक ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती जब तक आप मुझे अलाउ नहीं करोगे, जब तक आप मेरे हाथ में अपना हाथ नहीं दोगे. मैं तो हाथ फैलाए खड़ी हूँ जब मैं हाथ आपका साथ देने के लिए, लाइक गिव मी योर हैंड एंड आई विल रेज योर वाइब्रेशन, गिव मी योर हैंड एंड आई विल हेल्प यू ट्रांसफॉर्मिंग. सो थैंक यू सो मच उन सभी लोगों के लिए. जब आप वीडियो वॉच करते हो, जब आप सब्सक्राइब करते हो, जब आप चैनल के साथ जुड़ते हो ना, तो यू गिव मी दैट परमिशन.
सो आई एम सो ग्रेटफुल सो ग्रेटफुल सो ग्रेटफुल. लोग कहते हैं कि कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई किसी की लाइफ बदल रहा है, कोई किसी को खुशी दे रहा है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक तरफा ताली नहीं होती है. कोई देने वाला कितना भी हम बहुत आए होंगे और भी देने वाले, लेकिन आपने किसको परमिशन दी, किसको सुना. आपको क्या लगता है कि वंदना इज द ओनली वन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ की जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के मिशन पे निकली है? बहुत सारे लोग और भी होंगे और अपने अपने हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन कर भी रहे हैं, लेकिन आपने किसको परमिशन दिया है ये मैटर करता है. वही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है. सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच सारे इतने प्यारे प्यारे लोगों के लिए. बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोगों का मुझे नाम नहीं पता पर्सनली, जिन्होंने जो जुड़े हुए हैं, जो रोज वीडियोज वॉच करते हैं. अब देखो एवरीडे लाइक 200-300 लोग तो ऐसे हैं जो वो करते ही करते हैं वीडियोज को वॉच, तो उनके मुझे नाम नहीं पता. बट अब जो भी हो, रियली रियली आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. अगर आप अपना नाम बता पाए कॉमेंट में तो इट विल बी इवन चेरी ऑन द केक. सो आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच लवली पीपल, थैंक यू सो मच. और प्लीज मुझे थोड़ी सी और परमिशन दे दो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. प्लीज ये जो चेंज हो रहा है, जो 2022 से 2023 बनने जा रहा है, प्लीज तैयार हो जाओ और मुझे परमिशन दे दो कि मैं आपकी सीट बेल्ट आपको बंधवा पाऊँ अच्छे से, आपको अच्छे से. जैसे फ्लाइट में हम जाते हैं ना, जो जो तैयारी करते हैं, या फिर युद्ध में जाते हैं जो जो तैयारी करते हैं, वो सारी तैयारी मैं आपकी करवा पाऊँ. पिछले समय में जब युद्ध में राजा जाया करते थे तो उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनकी राजमाता, या फिर उनकी अगर कोई मेल है तो उनकी वाइफ उनकी आरती किया करती थी, उनको जो शस्त्र है वो उनके हाथ में दिया करती थी, उनको जो युद्ध के अनुकूल वस्त्र हैं, उनका रक्षा कवच है, वो सब उनको बंधवाती थी. तो आप क्या आप मुझे वो परमिशन देंगे? क्या मैं आपको अपनी लाइफ का जो नेक्स्ट ईयर है 2023 उसको मैजिकल बनाने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ? क्या आप मुझे परमिशन देंगे? अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो प्लीज कम टू द वर्कशॉप कि आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस दे पाए. मैं हमेशा कहती हूँ मेरी सक्सेस सिर्फ मेरी इंडिविजुअल सक्सेस मेरे लिए सक्सेस नहीं है, मेरे लिए आपकी सक्सेस मेरी सक्सेस है. आप वीडियोस देखते रहोगे, आके लाइव में एक एक लाइन के क्वेश्चन पूछते रहोगे, उससे कुछ ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है जब तक आपको पता नहीं वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. अभी आपकी क्या सिचुएशन है वो आप अपने हिसाब से जज कर रहे हो, लेकिन अगर आप वर्कशॉप में आते हो तो आप खुल के मेरे से बात कर सकते हो, अपने क्वेश्चन मुझे बता सकते हो. आपकी जो पर्सनल सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं आपको आंसर कर सकती हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको पूरा एक्शन प्लान दे सकती हूँ. सो वर्कशॉप में एक्शन प्लान मिलेगा और बहुत सारे एक्शन आप मेरे साथ बैठ के करोगे, बहुत सारा टेस्ट मिलेगा आपको. जैसे कोई नया रेस्टोरेंट खोलता है तो उसकी टेस्टिंग होती है ना, तो आपको टेस्ट से ही पता चलता है कि नेक्स्ट टाइम आपको रेस्टोरेंट में आना है या नहीं. इसी तरह से लाइफ के मैनिफेस्टेशन किस तरह के टेस्ट होती है, हाई वाइब्रेशन का टेस्ट क्या होता है. अगर आप मुझे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि कैसे रहे हाई वाइब्रेशन में, हाई वाइब्रेशन का टेस्ट ही आपको नहीं पता तो आप हाई वाइब्रेशन के रहने के फॉर्मूले को कैसे यूज करोगे, है ना. आपको पता ही नहीं कि हाई वाइब्रेशन क्या है. तो आइए वर्कशॉप में आइए, उस हाई वाइब्रेशन को एटलीस्ट अपने आप को अलाउ कीजिए एक बार टेस्ट करने के लिए. और जब आपको उसका टेस्ट पड़ जाएगा ना, तो फिर आपको फ्री वीडियोस में सुनते रहना, या पहले ही मैं वैसे आपको वर्कशॉप में इतना सारा तैयार कर दूंगी कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की. लेकिन फिर भी यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू द अदर सेशंस, यू आर मोस्ट वेलकम टू वॉच द वीडियोस, यू नो टू आस्क क्वेश्चंस. बट मुझे प्लीज अलाउ कीजिए अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. मैं तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक आप खुद डिसीजन लेते. तो चलो, जिन्होंने रजिस्टर करवा दिया है, अ बिग क्लैप, बिग कंग्रेचुलेशन, पैट योर बैक. एंड जिन्होंने नहीं करवाया है, कॉन्टेक्ट माई टीम ऑन दिस नंबर एंड रजिस्टर फॉर द वर्कशॉप. चलो, आई विल सी यू देयर. इट्स हैपनिंग संडे 11th ऑफ दिसंबर 11:00 इन द मॉर्निंग एज पर इंडियन टाइम. सो वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, ऑल योर सपोर्ट. थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू दोस्ती, एंड थैंक यू वंदना री फैमिली. सो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.